हेलो असल आज हम प्रूव करेंगे कि वन माइनस में काश टू एक्स अपान में साइन टू एक्स इज ईक्वल टूट तो टेन एक्स के कैसे इसके लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी जो जो फार्मूलाज हैं वो यूज़ करने होंगे जैसे कि कास टू एक्स इजल होता है का से स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में काश स्क्वायर एक्स इज इक्वल वन के और साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स एक्स के इसके साथ में हमें अगर यहाँ पर इन द लास्ट में मैं ये भी आपको बताऊँगा कि कास्ट टू एक्स कैसे इसके इक्वल होता है और साइन टू एक्स कैसे इसके इक्वल होता है ये तो खैर आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू है वन के उसके साथ हम ये भी यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो लेट कर लेते हैं तो इसको हम प्रूव करेंगे इसके इक्वल यहाँ पर जैसे कि हमें गिवन है कि कास्ट टू एक्स जैसे कि हमारे पास फार्मूला है कास्ट टू एक्स इसके इक्वल है तो हम यहाँ पर यह पुट कर लेते हैं। और साइन टू एक्स के बजाय हम उसकी जैसे कि साइन टू एक्स इक्वल है तो हम ये कंडीशन जो ये फार्मूला जो है यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो आगे हम लिखेंगे वन माइनस में जैसे कि माइनस कास इसके साथ में हो जाएगा कास माइनस कास स्क्वायर एक्स और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा प्लस साइन इस्वायर एक्स और इसके अपार में जो सेम टर्म है वही हम लिखेंगे यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि काश स्क्वायर एक्स यहाँ से हम इस फार्मूले से काश स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये माइनस वन माइनस में साइन स्क्वायर निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे काश स्क्वायर एक्स की बजाय मैंने वन माइनस में साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में ये जो है साइन स्क्वायर एक्स वो लिखा हुआ है इसके नीचे जो हमारे पास टर्म था वही लिखेंगे ये वन माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर वन माइनस वन से कैंसिल हो सकता है बाकी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम इस टू को इस टू से कैंसिल कर सकते हैं उसके अलावा ये साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर जो है कम हो जाएगी और हमारे पास जो बाकी रहेगा वो हमारे पास रहेगा साइन एक्स अपान में काश एक्स और साइन एक्स काश एक्स जैसे कि आपको मालूम है वो इक्वल होता है हमारा टेन एक्स के तो हम इसके मतलब कि हमने ये प्रूव कर लिया कि ये टर्म जो है हमारा टेन एक्स के इक्वल होता है तो इन द लास्ट में हमने लिख लेना है प्रूड अब इससे आगे अगर ये आपको पता है कास टू एक्स इज इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स माइनस में साइनस स्क्वायर एक्स तो इससे वीडियो आगे आप ना देखें अगर नहीं पता तो इससे आगे आप वीडियो देख सकते हैं तो अगर ये भी आपको सीखना है कि इसके इक्वल कैसे होता है तो ये आपने यहाँ से सीख लें तो जैसे कि आपको मालूम है जैसे कि हमें ये फार्मूला मालूम है कि साइन कास अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल होता है काश अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के अगर ये भी आपको फार्मूला नहीं आ रहा तो इसके लिए दूसरा कोई लेक्चर देख लें या किसी यू, दूसरे यूट्यूबर से देख लें या मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लें क्योंकि इतना डीपली मैं इसके लिए सब कुछ नहीं समझा सकता यहाँ पर तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि काश टू एक्स को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कि काश टू एक्स हमारा इक्वल हो सकता है क्योंकि काश इसकी एंगल अगर हम लिखें x प्लस में x तो ये हो जाएगा 2x तो यहाँ पर इसको जब आगे सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा cos x माइनस में sin x और ये हो जाएगा हमारा sin x अब sin x sin x से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos हमारा 2x जो इक्वल हो जाएगा हो जाएगा cos स्क्वायर x के और माइनस में sin स्क्वायर x के इसी तरह ये भी हम फार्मूला इसी तरह से मालूम मतलब के प्रूव करेंगे जैसे कि साइन स्क्वायर साइन टू एक्स इक्वल हो जाता है हमारा हमारा साइन अल्फ़ा प्लस में बीटा इसके इक्वल होता है साइन अल्फा कास बीटा प्लस में कास अल्फ़ा साइन बीटा तो यहाँ पर हम साइन टू एक्स को कुछ यूँ इस तरह से ब्रेक करेंगे साइन एक्स प्लस में एक्स लिखेंगे तो और ये फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ यूँ बन जाएगा अब यहाँ पर देखें तो साइन एक्स काश एक्स है hey, प्लस में कास एक्स साइन एक्स है मतलब इन दोनों टर्म्स की जो एंगल है वो सेम है तो इसको हम साइन एक्स काश एक्स भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके तो ये हमारे पास दो टर्म है तो इसको हम साइन टू एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन टू एक्स हमारा इक्वल बन चक बन सकता है साइन टू साइन एक्स और कास एक्स क्योंकि ये दो टर्म है तो इसको दोनों को हम ऐड करेंगे एक ये एक ये हमारे दो हो जाएंगे ये भी फार्मूला हमने प्रूव कर लिया इसका अगर डीपली आप लेक्चर चाहते हैं तो मेरा कोई दूसरा बेच मतलब लिंक जो डिस्क्रिप्शन होगी मैंने आप वहाँ से इसके लिए लेक्चर देख सकते हैं थैंक यू